आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ शेयर्स ना सोच के बैठे हैं कि जिस दिन हम खरीदेंगे ना उसके बाद लुढ़क जाएंगे, और हम भी ईगो में बैठे रहते हैं कि भाई बेचेंगे तो प्रॉफिट में किसी एक दिन। अब वो दिन पता नहीं कब आएगा, बट इस शेयर से मस्त फायदा उठाया जा सकता है, बताता हूँ कैसे। लेट्स से कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स जो 12 महीने पुराने हो चुके हैं, आपको इन्हें बेचना है, और बेचने पर आपको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और आपको अच्छे से पता है कि 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगले 1.5 लाख पे आपको 10% यानी 15,000 तो देना ही पड़ेगा। बट आपकी होल्डिंग्स में ऐसा शेयर भी है जो 5-6 साल से लॉस ही दे रहा है, और आज आपने उसको बेचा तो 50,000 का लॉस बुक हो जाएगा। मैं कहता हूँ बेच दो, बेच के उतने शेयर्स वापस खरीद लो, बट बेचने से वो लॉस बुक हो जाएगा। अब टैक्स देते समय आपका प्रॉफिट 2.5 लाख नहीं 2 लाख गिना जाएगा, क्योंकि आपको नेट गेन पर टैक्स देना है। तो जहां पहले सिनेरियो में 1.5 लाख पे 10% देना था, अब आपको 1 लाख रुपए पे 10% देना है। अब इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही सेट ऑफ कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो। फुल वीडियो इज लिंक्ड इन कमेंट्स।